हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सब राजकुमार। फ्रेंड्स, आप सब मेरे व्यूवर्स हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो। मैं जब भी कोई शेयर या कोई स्क्रिप्ट बताऊं तो कम से कम आपको उस लेवल पर आकर बताऊं जहां पे उसमें एक अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल हो, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। और अगर मेरे बताने के बाद में उसमें डाउनफॉल भी आता है तो फंडामेंटली बेटर होने चाहिए ताकि वापस से वो एक अपर लेवल ट्रैक मूवमेंट ले और आपको आपके इन्वेस्टमेंट में बेहतर रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में या लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में दोनों ही तरह से दे जाए। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं CDSL की, CDSL शेयर। फ्रेंड्स, सभी जानते हैं CDSL क्या है। शेयर मार्केट में काम करने वाले जो डीमैट अकाउंट खोल कर काम करते हैं वो जानते हैं CDSL क्या है। फ्रेंड, वर्किंग लेवल ऑफ फंडामेंटल्स क्या बताने हैं इसके। जब इस ट्रैक पे काम करना ही है, बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स रखने ही है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स आई डिपॉजिटरी के पास रखवाना ही है, तो फिर जानना क्या है। इस तरह के शेयर्स में वर्किंग लेवल हमेशा बेटर रहेगा, चाहे मार्केट डाउन जाए चाहे अपर लेवल पे हो। हमेशा स्क्रिप्ट बाइंग और सेलिंग होगी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए CDSL जैसे प्लेटफॉर्म होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के स्क्रिप्ट में वर्किंग लेवल हमेशा इम्प्रूव होते रहेंगे, रिजल्ट हमेशा इम्प्रूव होते रहेंगे और जो लेवल है इस शेयर की प्राइजेस का वो बढ़ेगा, एक अच्छा रिटर्न टाइम टू टाइम FD की जैसे मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, ये शेयर 450 रुपये के आसपास जब इसका IPO आया था और ये 1700 रुपये तक गया, तो आप देख लीजिए 3 गुना रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया। अगर मैं इसका रिटर्न ये 5 ईयर्स के अंदर भी इतना रिटर्न 3 गुना बहुत होता है, FD में भी इतना रिटर्न नहीं मिलता 6-7 ईयर्स में। और फ्रेंड्स, इस वक्त तो ये अपने 52 वीक हाई 1700 समथिंग के आसपास से 1100 समथिंग के आसपास आया हुआ है, 1100 समथिंग ये शेयर चल रहा है। और जो इसका 52 वीक लो है वो भी 1000 समथिंग है, यानी कि 30% के आसपास तक की गिरावट के साथ ही आपको अभी भी 1100 समथिंग पर अवेलेबल है बाइंग के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस तरह के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर डाउनफॉल और आता है तो और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस तरह के शेयर्स में बार बार इन्वेस्टमेंट करके अपनी जो बाइंग का एवरेज है वो भी बनाते रहना चाहिए। इन शेयर्स में अपर लेवल मूवमेंट आता है, वर्किंग लेवल बेहतर होते रहते हैं, रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटीज बढ़ती रहती है। प्रॉफिटेबिलिटीज़ के कारण इस तरह के शेयर्स में हमेशा एक प्राइस राइज अपर लेवल मूवमेंट पे जाकर के होता रहता है और इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ इस तरह के भी फंडामेंटली शेयर्स बताना पसंद करता हूं जो कि इसी प्लेटफॉर्म के हैं जिस पे कि हम डीमैट अकाउंट खोल करके बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आपको इसी तरह के वीडियोस बना करके देने के लिए मैं मोटिवेट होता रहूँ और आपको रूबरू करता रहूँ, अपग्रेड करता रहूँ इस तरह की स्क्रिप्ट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।